हंसराज महिला महाविद्यालय जलंधर, एक ऐसा नाम, एक ऐसा ख्याल जो लबों पे आते ही मन उछलता है उमंगों से, बाहें फैल जाती हैं प्यार से और सर झुक जाता है आदर से, सत्कार से, श्रद्धा से। विद्या के इस महान मंदिर को मैं सरोजिनी गौतम शारदा नमन करती हूँ। मैं शत शत प्रणाम करती हूँ उन सारे प्रिंसिपल्स को, सारे टीचर्स को, स्टाफ को, हर एक कण को जिसने इस महान संस्था को बनाने में योगदान दिया और जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं आप सबके सामने आपसे मुखातिब हूँ। HMB से मेरा नाता 50 साल पुराना है तकरीबन। 1972 में मैंने यहाँ प्री यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। यहाँ से मैंने BA ऑनर्स की डिग्री हासिल की। इस दौरान हॉस्टल में रही, हॉस्टल में हेड गर्ल रही और सच जानिए एडमिनिस्ट्रेशन का पहला पाठ मैंने इसी कॉलेज से, यहाँ की ग्रूमिंग से ही सीखा और यहाँ से शिक्षा संस्कार लेके मैं PCS सर्विसेज में आ गई। बहुत सारी चैलेंजिंग जॉब्स पर रही और इस दौरान जो चीज़ मेरे हमेशा ही साथ रही वो कॉलेज से लिए हुए संस्कार थे। इसके बाद HMV एसोसिएशन के साथ भी मेरी HMV एलुमनाई एसोसिएशन के साथ भी मेरी इंटरेक्शंस होती रहीं, उसकी मेंबर के बतौर मेंबर और एग्जेक्टिव मेंबर। और अभी रिसेंटली मैं फिर से इस कॉलेज की स्टूडेंट बनी हूँ। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि कॉलेज के जो कॉरिडोर्स थे, मैं जब भी यहाँ से गुजरती थी मुझे ये बुलाते थे, अपनी तरफ आकर्षित करते थे। मैं फिर से कॉलेज की उन्हीं फिजाओं में, उसी माहौल में वापस जाना चाहती थी और ये मुझे अवसर प्रदान किया पैंडेमिक ने, जब वर्चुअल क्लासेस लगनी शुरू हो गई और उसका फ़ायदा उठाते हुए और साथ ही अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एहसास करते हुए मैंने BVOC मेंटल हेल्थ काउंसलिंग में एडमिशन ली। पहला सेमेस्टर भी मैं क्लियर कर चुकी हूँ, अब सेकंड सेमेस्टर की विद्यार्थी हूँ। मुझे मेरा ये जो प्री यूनिवर्सिटी के रोल नंबर 46 से अब मेरे रोल नंबर 504407 का जो सफ़र है वो बहुत ही रोमांचक रहा और हमेशा से ही HMV की जो टीचिंग्स, HMV की जो शिक्षा वो मेरे साथ रही और हर पल पर मुझे उसी के सहारे अपने ज़िंदगी के बहुत सारे अहम फ़ैसले लेने में मुझे हमेशा शक्ति मिलती रही। मैं यूँ कहूँगी कि जो पर्सनैलिटी मैंने डेवलप की, जो मैं आज हूँ, उसके पीछे इसी का ही बहुत बड़ा योगदान है। दिस कॉलेज हैज़ वेरी रिच ट्रेडिशन, वेरी रिच कल्चर, वेरी हाई मॉरल वैल्यूज़, आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, सिंसेरिटी, ऑनेस्टी, नेशनलिज्म, कम्युनिटी फीलिंग इनग्रेन्ड इनटू इट्स वेरी फैब्रिक, ऑल दिस कल्चर बाय इट्स फाउंडर प्रिंसिपल कुमारी विद्यावती आनंद जी एंड कैरिड फॉरवर्ड बाय इट्स वेरियस एबल्ड प्रिंसिपल्स एंड नाउ द फ्लैग बेरर इज वेरी डायनेमिक, वेरी एनर्जेटिक प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर अजय सरेन जी, हु हैज़ टेकन दिस कॉलेज टू न्यूअर हाइट्स, अनइमेजिनेटिव। दिस इज सीइंग इज बिलीविंग, यू हैव टू सी टू बिलीव वेयर द कॉलेज हैज़ रीच्ड इट। काउंटलेस सब्जेक्ट्स दे हैव, स्ट्रीम्स, कोर्सेज, यू नेम इट, दे हैव इट। एंड इट्स नॉट फॉर नथिंग दैट द कॉलेज हैज़ प्रोड्यूस
an array of outstanding administrators, judicial officers, police officers, sports persons, Olympians, and film and TV personalities, theater personalities, multimedia and journalism personalities, outstanding educationists. You see, in each and every field, you will find an outstanding champion. हमारा दिल उनको देख के खुशी से भर जाता है, गर्व से भर जाता है. वो हमारे परिवार के सदस्य हैं और मैं इस परिवार को फलता फूलता देखते हुए बहुत गर्वित महसूस करती हूँ और भगवान से यही कामना करती हूँ कि मेरा ये परिवार इसी तरह से फूलता फलता रहे, मेरा HMV इसी तरह से टॉप पे रहे. इट वॉज ऑलवेज एट द टॉप व्हेन आई ज्वाइंड इट, इट इज़ स्टिल एट द टॉप एंड आई प्रे टू गॉड दैट इट शुड रिमेन एट द टॉप ऑलवेज. मैं हमेशा ही HMV की ऋणी रही हूँ फॉर बीइंग इन माई लाइफ एंड फॉर बीइंग और फॉर लेटिंग मी बी ए पार्ट ऑफ इट. वंस अगेन आई एक्सप्रेस माई हार्टेस्ट ग्रीटिंग्स एंड माई इंडेटेडनेस टू ऑल इट्स प्रिंसिपल, इट्स एक्सलेंट डेडिकेटेड टीचर्स एंड इट्स स्टाफ एंड स्टूडेंट्स. थैंक यू वेरी मच.